नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुण इंद्र। लोजपा के अध्यक्ष, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान आज सुबह सुबह नवादा पहुंचे और वो सीधे पुलिस लाइन के पीछे जो है केबट नगर बेलदरिया एक टोला है वहां पहुंचे और वहां उन्होंने सड़क हादसे में जो जिन तीन लोगों की मौत पिछले 28 सितंबर को हुई थी उनके पीड़ित परिजनों से मिले और उन्होंने ढांढस बढ़ाया और अपनी ओर से पूरी तरह सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान जैसे ही सांसद वहां पहुंचे भारी संख्या में गांव के महिला पुरुष बच्चे सब जुट गए। महिलाएं दहाड़ मार कर रोने लगी और सांसद से लिपट कर अपनी पीड़ा का इजहार करने लगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जो मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला, गरीब परिवार है, सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने तत्काल नवादा DM आशुतोष कुमार वर्मा से बातचीत किया और कहा कि भाई BDO साहब को भेजिए यहाँ और जो भी है काफ़ी ही निहायत ही गरीब परिवार है, ज़रूरत है इन्हें सहयोग की, ज़रूरतमंद लोग हैं, इनको ज़रूरत जो भी हो सरकारी प्रावधान के अनुसार अविलंब पहुँचाइए। इसके पहले जैसे ही सांसद पहुँचे गांव ग्रामीणों की भीड़ जुट गई वहाँ पर और काफ़ी भावुक करने वाला माहौल था वहाँ पर, भाव विह्वल। वो सांसद खुद भी हो गए जब महिलाओं की दहार उनके कानों तक पहुँची। कुछ महिलाएँ तो उनके गले से लिपट कर रोने लगी। उनके छोटे छोटे बच्चे देख भी चिराग पासवान काफ़ी भावुक हुए, ज़मीन पर बैठ कर ही उन लोगों से बातचीत किया। वो बहुत ही मतलब कानूनी दृश्य था, माहौल था और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके इस दुखघड़ी में आपके साथ हैं। 28 सितंबर की घटना हुई थी और इसमें आकाश कुमार, प्रहलाद कुमार और समीर कुमार ये तीन लोगों की मौत हुई थी और पप्पू चौहान सहित दो लोग इसमें घायल हुए थे और पांचों मजदूर किस्म के लोग थे और ये लोग पाँचों अपने गाँव से घर से सुबह सुबह नवादा सब्जी मार्केट की ओर आ रहे थे। ट्रक वगैरह से जो सब्जी वगैरह आता उसको उतारने का काम करते थे, पेशेवर मजदूर थे और नौजवान किस्म के थे। इन लोगों का अचानक बड़ा हादसा हुआ, विपत्ति का पहाड़ इन परिवार पर टूटा। ऐसे में सांसद का पहुंचना, जमुई सांसद का उन लोगों को उनकी पीड़ा को कुछ न कुछ थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास इन्होंने अपनी ओर से किया और DM से बात करके राहत सहायता पहुंचाने का उन्होंने आग्रह किया, निर्देश दिया, जो कहिए। तो क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा हम चाहते हैं नवादा लाइव के दर्शक अभी और देख लें। हम ये चलते हैं आपको उस घटनास्थल की ओर, उस गाँव की ओर जहाँ सांसद पहुंचे थे, वहाँ का क्या दृश्य था आपको दिखाते हैं। उससे पहले एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। किसी को मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला है, इसको जल्दी नहीं, गरीब परिवार है, छोटा छोटा बच्चा है, DM साहब किसी का खाने पीने का कुछ नहीं है, वो खिलाने कमाने वाला व्यक्ति था वो चला गया, इसको आजकल में इसको क्लियर करवाइए और BDO को बोलिए एक बार आएगा सबको देख के जाएगा पूरा यहाँ से घर पे लेके जाएगा, आज ही भिजवाइए सबको, है ना, ठीक है। जी सर, तुम आगे 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 चिराग जी थोड़ा।